Narayan, 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 Narayan. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram. Ek number kam kar do, pankha. Idhar wala. idhar wala, bas. Idhar wala, theek. आनंद रस रत्नाकर 12 अक्टूबर पौरुष को जीवन में प्रकट करो जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ का नाम है तो ये 220 से 230 यानी 10 11 पृष्ठ में जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट मिले उसी में से लिया है परम पूज्य महाराष्ट्री कह रहे हैं आपने सुना है ना कि जो खुद अपनी मदद नहीं करता खुदा भी उसकी मदद नहीं करता जो खुद अपनी मदद नहीं करता खुदा भी उसकी मदद नहीं करता हम स्कूल में थे तो आया था गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ईश्वर उसकी सहयोग करता है मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं तो उसी का उल्टा हो गया जो खुद अपनी मदद नहीं करता खुदा भी उसकी मदद नहीं जो अपने को जोखिम में नहीं डालता वह कभी फायदा नहीं उठा सकता तो ये एक प्रकार के व्यावहारिक नियम है फायदा उठाना है जोखिम उठानी पड़ेगी महर्षि को हमने वहाँ अहमदाबाद में कहा कि हमारे को आप संन्यास अगर आपको लगे कि हम योग्य हैं तो आप संन्यास दे दें बोले हाँ ठीक है हम देंगे संन्यास देंगे हम आ जाना अहमदाबाद में मिले अहमदाबाद में थे तब हम चिन्मय मिशन में थे फिर हम आ गए शिवरात्रि के पहले तो कुछ दिन बाकी थे संन्यास में तो एक दिन हम बैठे थे महाराज जी के पास तो संन्यास का तो अभी समय था शायद 5-6 दिन बाकी थे तो प्रश्न किया कि डर तो नहीं लगता तो जोखिम नहीं अपने को जोखिम में जो नहीं डालता वो कभी फायदा नहीं उठा सकता तो जोखिम जोखिम में नहीं डालता वो कभी फायदा नहीं उठा सकता यानी कोई भी स्टेप लेंगे हम लोग तो कुछ न कुछ तो उसमें लेनी पड़ेगी जोखिम हम हमारे दादा थे वो आए बम्बई तो मोतिया का ऑपरेशन था तो हम मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो चुके थे तो सफ़ेद कोट पहनने लगे तो सफ़ेद कोट पहन के हम गए वहाँ दादा को दिखाने मतलब वो डॉक्टर को लगे कि भाई ये भी कोई है तो हालांकि अभी तो MBBS तो पास करी नहीं तो गोखले गोखले करके था अच्छे अच्छे डॉक्टर थे तो हमने कहा कि डॉक्टर इसमें कोई खतरा तो नहीं है जो ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं मेरे को बोले कि देखो खतरा तो जो सड़क पार करते हैं ना उसमें भी है ऐसा थोड़ी कि सड़क पार करना बंद कर दो खतरा तो सब जगह है खतरा कहाँ नहीं है तो अपने को जो जोखिम में नहीं डालता वो कभी फायदा नहीं उठा सकता अच्छा अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं देखो गुलामी केवल आदमी की ही नहीं होती गुलामी अपनी वासना की भी होती है अब इस वासना की गुलामी पे ज़्यादा मतलब ये करेंगे चर्चा क्योंकि आदमी की गुलामी तो ठीक है उसमें तो अपनी समझ लो कि व्यवस्था है नौकरी कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं तो भाई जो है अपना सीनियर है उसकी गुलामी है ही है या सेठ है उसकी गुलामी है ही है जो लोग मुनिम को तो गुलामी केवल आदमी की ही नहीं होती ये तो होती ही होती है पर ये जो सूक्ष्म आज जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्री वो है गुलामी अपनी वासना की भी होती है इसको समझा रहे हैं कि जब हमारा मन शरीर को कुमार्ग पर घसीटता है
तब हम मन के गुलाम होते हैं। यानी शरीर जितनी बड़ी चीज को मन जो है वो कुमार्ग पर घसीट लेता है। तो मन में ये शक्ति कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि हम मन के गुलाम होते हैं। अपने को हर व्यक्ति शरीर ही तो मानता है, तो शरीर जब मान रहा है तो हमको ही मन घसीट रहा है। तो मन घसीट रहा है इसका मतलब मन के गुलाम, सीधी बात। एक संत ने दृष्टांत दिया कि घूमने के लिए जाते हैं ना तो कुत्ता लेके जाते हैं, जंजीर पकड़े हैं तो कुत्ता पीछे पीछे और मालिक आगे आगे, और उतने में कोई दूसरा कुत्ता आ गया सामने से। दूसरा कुत्ता आ गया तो ये कुत्ता है ना जो जंजीर से बंधा था उसके ऊपर, जैसे कुत्तों का स्वभाव है। तो अब क्या हुआ कि कुत्ता आगे है ना, जंजीर तो मालिक के हाथ में ही है, तो जंजीर पकड़े पकड़े मालिक के जो है ना कुत्ता घसीट रहा है उसको, मालिक पीछे पीछे घसीटा जा रहा है। तो कुत्ता तो हमारा गुलाम है, पर यहाँ कुत्ता हो गया मालिक और मालिक हो गया है ना कुत्ता, कुत्ता यानी गुलाम। तो इसलिए ये मन क्या करता है कि बैठे हैं कमरे में, रसोई घर में कोई बढ़िया सी सुगंध आई है ना, पहुँच गए रसोई में, तो ये शरीर को घसीट के कौन ले गया है ना, मन ही तो ले गया। मन को लगा कि भाई कोई बढ़िया चीज़ बनी है ना, पा लेते हैं। तो महाराष्ट्र कह रहे हैं कि जब हमारा मन शरीर को कुमार्ग पर घसीटता है तब हम मन के गुलाम होते हैं। तो जहाँ तक मतलब धर्म से नियंत्रित हमारी हमारा जीवन है तब तक उसको गुलामी नहीं मानेंगे, पर मन में इतनी शक्ति है कि वो शरीर को कुमार्ग पर घसीट लेता है। इसीलिए उस महात्मा ने कहा कि जहाँ पर अपने को लगे कि कोई बुरा विचार आवे तो ऐसी कल्पना करो कि हमारे हाथ ही नहीं, और जहाँ लगे कि कोई अच्छा कार्य है तो वहाँ ऐसी कल्पना करो कि हजारों हाथ हो गए। तो ये क्या है, ये सूत्र है कि कुमार्ग पे घसीटे जाना ये अपनी वासना की गुलामी है, क्योंकि मन जो है वो वासना का पुंज है। तो मन तो अपने हिसाब से चलेगा, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करेगा, और उसमें हम धर्म को आगे नहीं लाएंगे कि मुझे क्या कर्तव्य है क्या नहीं। इसको बार 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 आनंद रत्नाकर में महाराष्ट्र ने कहा है कि व्यवस्था, राग द्वेष वाले में भी बताया अभी 4-5-6 दिन पहले, ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या संग्रह करना है क्या संग्रह नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये जो है धर्म नियंत्रित हमारा जब जीवन होगा तब मन में ये जो सामर्थ्य है घसीटने का कुमार्ग पर, वो सामर्थ्य धीरे धीरे ढीला पड़ेगा। तो महाराष्ट्र समझा रहे हैं कि गुलामी केवल आदमी की ही नहीं होती, गुलामी अपनी वासना की भी होती है। जब हमारा मन शरीर को कुमार्ग पर घसीटता है, यानी शरीर को मतलब हमको, तब हम अपने मन के गुलाम होते हैं, सीधी बात है। कोई भी साधक मन का गुलाम कैसे हो सकता है? यानी अपने को साधक भी बोल रहा है और मन की गुलामी भी कर रहा है, तो ये तो साधक नहीं है ना। तो साधक का अर्थ ही यही है कि बहुत सावधान है, तो सावधानी ही साधना है। तो जो साधक है वो भला मन का गुलाम कैसे हो सकता है, यानी संभव नहीं है। अच्छा, अब आगे देखिए महाराष्ट्र क्या कह रहे हैं। जो अपने जीवन में आशावान है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन में दृढ़ है, वह मन की यानी वासना की गुलामी को, पराधीनता को कबूल नहीं कर सकता है। तो अगर हम मन की अथवा वासना की अथवा गुलामी कहो पराधीनता कहो एक ही बात है, तो मन की अथवा वासना के गुलामी या पराधीनता को कबूल किए हुए हैं अपने जीवन में, तो इसका अर्थ यही है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन में हम दृढ़ नहीं हैं और जीवन में आशावान नहीं है। तो जीवन में आशावान होना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन में दृढ़ होना, इसका परिणाम क्या होगा कि वो पराधीनता या गुलामी मन की या वासना की कबूल होगी ही नहीं उसके द्वारा। मैंने बताया था पहले, एक बार यहाँ से जा रहे थे दिल्ली, सेठी जी, बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल हो गए होंगे, तो
बस वो दिल्ली अंदर प्रवेश किए, अब हमको तो पता नहीं वहाँ हल्दीराम का कोई है रेस्टोरेंट वगैरह, तो इन्होंने बस अपना कहा सिटीजन स्वामी जी वहाँ चले। अब हमको समझ में नहीं आया कि भाई जब घर पे जा रहे हैं तो ये हल्दीराम से क्या मतलब है ना। तो महाराज से कह रहे हैं कि ये मन की वासना की गुलामी पराधीनता कबूल नहीं कर सकता है, क्यों करेगा कबूल, क्यों हल्दीराम में हमको जाना है। अरे कोई नहीं, अब वो क्या है कि बेचारा जो व्यक्ति है वो मन की वासना की भाई हल्दीराम में बढ़िया है ना भेलपुरी या जो भी है, कभी ना कोई आइटम ये इसीलिए उसका संस्कार बनता है। एक बार जहाँ जाओ और वहाँ वो चीज़ अच्छी लगेगी तो वहाँ से गुजरोगे। तो ये महाराज साधक के लिए कह रहे हैं कि जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन में दृढ़ है और जीवन में आशावान है तो वो ये पराधीनता कबूल नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने तो मना ही कर दिया, फिर गए ही नहीं, पर समझो कि दूसरा हमारी जगह होता तो भाई तुम चले चलो, है ना, हमको वहाँ कुछ पाना नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तुम पालो, और क्या कहें, ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि वो उसको फिर मन को दबाना पड़ेगा ना। तो हालांकि उनको भी हमको साधना में लाना है, इसलिए अच्छा है कि वो निवृत्त हो। हमारा मन जो कहेगा सो ही हम करेंगे, ऐसा कोई साधक कैसे कर सकता है, संभव नहीं। इसलिए आगे चल के महाराज से बताएंगे कि कैसे बुरी वासना और कैसे अच्छी वासना, तो उसका विवेक करके बाद में बुरी वासना भी अच्छी वासना बन जाएगी, कैसे बनेगी उसको बताएंगे, यहाँ पर नहीं बताएंगे अन्यत्र बताएं। पौरुष माने साधना, तो आज का जो है टॉपिक तो है पौरुष को जीवन में प्रकट करो, तो आप तो महर्षि साधना पे बोल रहे हैं, बोले भाई जो साधना पे मैं बोल रहा हूँ उसी को पौरुष कहते हैं, पौरुष का अर्थ ही है साधना, पौरुष माने साधना। अच्छा, साधना छोड़ देने का उपदेश आपकी प्रगति का सहायक नहीं है। ये क्यों वाक्य कह रहे हैं महर्षि, क्योंकि बहुत से ऐसे गुरु लोग आ गए हैं, है ना, बोले कोई साधन करने की जरूरत नहीं, हम जो कह रहे हैं वो करो, तो तुम क्या कह रहे हो, तो बस वो कुछ अपना बता देंगे अपनी उनका जो भी है सिद्धांत, और बोले कि हमें ये सब साधन वाधन कुछ करने की जरूरत नहीं। तो महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि ये लोग, यहाँ नहीं कहा है अन्यत्र कहा है कि ये लोग कली कली के दूत हैं, ऐसा जो लोग कहते हैं कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, है ना, तो ये कली के दूत हैं, इनके चक्कर में मत आना। तो यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि साधना छोड़ देने का उपदेश आपकी प्रगति का सहायक नहीं है। ये आचार्य रजनीश वगैरह ऐसे हुए हैं कुछ विचित्र गुरु, है ना, जो कि अपने शिष्यों को हर प्रकार की छूट, यानी कोई किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखना है, तो ये लोग जो हैं ये आपकी प्रगति के सहायक नहीं है इस प्रकार के उपदेश देने वाले। तो बोले कैसे महाराज, प्रगति के सहायक क्यों नहीं है, क्योंकि उनके तो बहुत बहुत अनुयायी हैं और बहुत चेला है। तो महर्षि समझा रहे कि प्रगति माने आगे बढ़ना, जहाँ हम हैं वहाँ से हमारी उन्नति हुई कि नहीं, हमारे में सात्विकता बढ़ी कि नहीं, हमारे में शांति, मन की शांति, है ना, दया, सब प्रकार के सद्गुण, देवी संपत्ति, ये जो है प्रगति का चार्ट है। साधक के जीवन में कुछ आवश्यक बातें, शायद उस दिन आप लोग नहीं आए थे, उसमें महर्षि ने अंतिम तीन पॉइंट में लिखा था कि एक पॉइंट तो ये था कि लेखा जोखा रखना चाहिए, साधक को रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कितनी प्रगति हमारी हुई, और एक ये था कि आशावान, आत्मबल और उत्साह रहना चाहिए, और आखिरी पॉइंट था कि साधक को अपने संकल्प में दृढ़ और अविचल रहना चाहिए। तो वहाँ पॉइंट हमको वही लेना था कि प्रगति की लेखा जोखा क्यों रखना चाहिए, आप आए थे शायद, हमने कहा कि विनोबा भावे उसके उल्टा बोलते थे, डायरी रखने को मना करते थे, आप आए थे। तो पुरुष माने साधना, साधना छोड़ देने का उपदेश आपकी प्रगति का सहायक नहीं है, प्रगति माने आगे बढ़ना। तो वहाँ तो क्या पता लगेगा, जब हम लेखा जोखा रखेंगे तो वही पहले तो बहुत अच्छा था, अब तो है ना बहुत विचलित रहता है मन, अशांत रहता है, तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ हमारी गलती है।
तो वो गलती देखने के लिए महाराज जी ये सब दे रहे हैं कि पता लग जाएगा कहाँ गलती है। जीवन में अच्छी बुरी दोनों वासनाएं आती हैं। यदि आप अपना झुकाव अच्छी वासनाओं की ओर कर देंगे तो बुरी वासनाएं भी अच्छी बनकर अच्छी में आकर मिल जाएंगी। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो जीवन है, वो जीवन में हमारे जो संस्कार हैं और जो हमारे पूर्व पूर्व जन्म की क्रियाएं हैं उसके अनुसार वासनाएं हैं ही हैं अंदर, तो वो वासनाएं जो हैं हमारे हृदय में, उन वासनाओं में कभी अच्छी प्रकट हो गई कभी बुरी प्रकट हो गई। अच्छे माहौल में बुरी को प्रकट होने का है ना है नहीं, पर जहाँ कुछ ऐसा माहौल मिला तो वहाँ वो बुरी का मतलब जो नहीं करना चाहिए साधक को, तो वो जो बुरी है वासना, अब यहाँ पर प्रश्न उठा कि उनको हम कैसे दबाएं। तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि आप अपना झुकाव अच्छी वासनाओं की ओर कर देंगे, इसका तरीका वही है, अच्छी वासनाओं की ओर झुकाव कर देना, अपने में ये जो निश्चय है दृढ़ निश्चय, ऊपर जो महर्षि ने बताया कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन में दृढ़ता और जीवन में आशावान होना, तो ये चीज़ें और इसके बाद इन चीज़ों के लिए गुरु से जुड़ जाना, सदगुरु से जुड़ जाना है ना, अपने इष्ट से जुड़ जाना, लाला हर 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 बात में, हर एक बात में लाला ध्यान में आवे, हर एक बात में वो मोनू का जो वाक्य है कि कृष्ण भगवान कृष्ण को केंद्र में रखना, तो ये तरीके हैं अपने को अच्छी वासना की ओर मोड़ देना या झुका देना। तो यदि आप अपना झुकाव अच्छी वासनाओं की ओर कर देंगे तो अब क्या हो रहा है कि प्रत्येक क्रिया में हम ठाकुर जी को जोड़ रहे हैं, तो उससे अब क्या हुआ कि बुरी वासनाएं आएंगी तो सही बेचारी, पर अब उनको बाध्य होकर अच्छी बनना पड़ेगा। बुरी वासनाएं अच्छी कैसे बनेंगी? क्रोध है तो अभी गुरुवार को ही आया था कि क्रोध तो अपने पर करना चाहिए है ना, दूसरे पर नहीं, सामने वाले पर नहीं। क्यों भाई? सामने वाले ने गलती की है तो हम क्रोध नहीं करेंगे तो और बिगड़ेगा। बोले नहीं, अपने हृदय में ठाकुर जी का रहना यानी ऐसी प्रेम भरी वस्तु का जहाँ रहना उचित है, वहाँ पर हमने क्रोध जैसी इतनी गलत चीज़ हम ले आए वहाँ अपने हृदय में है ना, इसलिए क्रोध तो हमको अपने पे करना चाहिए, उस व्यक्ति पे नहीं। तो ये जो सूत्र दिया महाराज श्री ने, इसका अर्थ है कि ये क्रोध तो बुरी वासना है और हम तो उसको सामने वाले को क्रोध करके और ये चाह रहे थे कि भाई वो है ना सुधर जाए, और महाराज श्री कह रहे हैं ये बुरी वासना का है ना बुरा उपयोग हो रहा है, तो इसको अच्छा उपयोग क्या हो जाएगा? बुरी वासना अच्छी कब बनेगी? कि जब हम सीखेंगे कि अपने पे क्रोध करना है, अपने पे क्रोध करना है मतलब ये क्रोध आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए एक पूरा का पूरा पुस्तक ही अभी पढ़ रही है साध्वी कंचन, हमने दी है उसको ज्ञान अंकुश, ज्ञान के द्वारा कैसे अंकुश है ना, जैसे हाथी महावत के हाथ में अंकुश रहता है, तो हाथी जो है इतना बड़ा जानवर है ना, पर उसको महावत को पता है कि कहाँ कौन सा ऐसा मर्म स्थल है हाथी का जहाँ वो अंकुश लगेगा तो हाथी जैसा जो है इतना विशालकाय जीव भी सीधा चलेगा है ना। तो ये ज्ञान का अंकुश क्या है कि ये क्रोध आदि जो है ये उसमें क्रोध को ही मुख्य रूप से लिया है पूरी पुस्तक में, 25 श्लोक हैं, बहुत अच्छी मिशन जी ने व्याख्या की, कल ही बता रही थी साध्वी कंचन, बहुत ही सुंदर है। तो इसमें करना क्या है कि भाई वो सामने वाला हमारा अपमान कर रहा है, बिना मतलब हम पे है ना नाराज हो रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसमें अपने मन में उसके प्रति क्रोध आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ लिखा है पुस्तक में कि ये विचार करना चाहिए कि भाई वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये हमारा जो है जन्म होना ही गलत है, हमको पिछले जन्म में ही मुक्त हो जाना चाहिए था भजन करके, मैंने हमने भजन नहीं किया इसलिए ये जन्म लेना पड़ा, तो ये जन्म लेना पड़ा तो अब ये जो क्रोध या अपमान हमारा कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल उचित कर रहा है क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की है ना, ऐसे करके अपने को वापस प्रतिक्रिया में क्रोध नहीं करना है, ऐसे करके बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सूत्र उसमें दिए हैं। तो यहाँ महर्षि कहना चाह रहे हैं कि जो बुरी वासना है
वो भी अच्छी बन जाएगी। क्रोध है, काम है, न काम है दो अन्यत्र आनंद रचनाकर्म ही महर्षि ने दिया है कि जितने विकार हैं भगवान ने बनाए हैं, है ना, उसका उपयोग भी है, काम का, क्रोध का, लोभ का। लोभ है ना, माला के आज ज़्यादा माला करेंगे, ये लोभ हो गए, है ना, ये लोभ ना होके कि पैसा ज़्यादा आवे, माला आज ज़्यादा करेंगे, है ना। कामना, तो कामना इसकी कामना की, है ना, भजन की कामना। तो जितने विकार हैं वो, जितनी बुरी वासना है उसको अच्छी वासना में लाने का ये तरीका है क्या, कि यदि आप अपना झुकाव अच्छी वासनाओं की ओर कर देंगे तो ठाकुर जी अपने आप ही हमको बुद्धि देंगे कि बुरी वासनाएं भी अच्छी बनकर, अच्छी में आकर मिल जाएंगी। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अतएव आप बुरी वासनाओं का पक्ष न लें, है ना। नहीं, मुझे क्रोध करना ही चाहिए था स्वामी जी, अगर मैं क्रोध नहीं करते या नहीं करता तो आपको नहीं मालूम है ये लोग कितने, मतलब, है ना, दुष्ट हैं। तो वो सब समझाने की बात नहीं है। बुरी वासनाओं का पक्ष न ले, ये क्या हो गया, हम जो सफाई दे रहे हैं ये बुरी वासनाओं का पक्ष ले रहे हैं, वो गलत है। तो अच्छी वासनाओं को जीवन में लाने का प्रयत्न निरंतर करते रहें। ये महर्षि ने इस पैराग्राफ में सूत्र दे दिया कि ये कैसे बनेगा। पुरुष को जीवन में प्रकट करो, ये बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वो बुरी वासनाओं का पक्ष भी ले लेते हैं, बुरी वासनाएँ आ जाती हैं अनजान में, है ना, और फिर हम उसको नहीं कर पाते हैं ठीक, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो तब महर्षि कह रहे हैं कि अच्छी वासनाओं को जीवन में लाने का प्रयत्न निरंतर करते रहें। तो निरंतर का मतलब कभी भी उस चीज़ से हमारी दृष्टि हटनी नहीं चाहिए, ये साधक का जीवन है। अब अंत में महर्षि कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जीवन मुक्ति विवेक में महर्षि ने योग वशिष्ठ ग्रंथ में से 8 श्लोक लिए हैं। उन 8 श्लोकों की चर्चा विस्तार में की है। तो वो 8 श्लोक जो हैं, स्वयं वशिष्ठ जी भगवान राम को, जो उत्तर रामायण भी बोलते हैं उसको, योग वशिष्ठ, तो महारामायण भी बोलते हैं। तो ये जो महारामायण का उपदेश किया है भगवान राम को, तो वहाँ पर ये जो 8 श्लोक हैं उसी प्रसंग में एक किसी श्लोक की व्याख्या में महर्षि कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं किनको, भगवान राम को। राम शिष्य हैं, वशिष्ठ जी गुरु हैं। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दुनिया का चाहे जो आदमी यदि अपने पौरुष का ठीक ठीक प्रयोग करे, तो जैसे विश्वामित्र ने ब्रह्मा के मुकाबले में दूसरी सृष्टि बना दी थी, वैसे उसमें सृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य हो सकता है, आ सकता है। तो इतना, यानी पौरुष का वहाँ महिमा दिखाई है वशिष्ठ जी ने, राम जी को दृष्टांत दिया है, विश्वामित्र ने करके दिखा दिया। ब्रह्मा जी तो खैर उनको तो है ही है ना, भगवान के द्वारा ही वो प्रयुक्त है, नियुक्त है कि सृष्टि बनानी है, और वो सृष्टि बनाते हैं। पर विश्वामित्र जी ने पौरुष करके ये अर्जित कर लिया, क्या सामर्थ्य कि उन्होंने ये सब नारियल वगैरह, ये सब विश्वामित्र की सृष्टि का है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है। ये जो नारियल मिलता है पुराणों में कथा है, तो ये विश्वामित्र जी की सृष्टि का है। तो विश्वामित्र ने ब्रह्मा के मुकाबले में दूसरी सृष्टि बना दी थी, वैसे इस व्यक्ति में, दुनिया का चाहे जो आदमी यदि अपने पुरुष का ठीक ठीक प्रयोग करे, पुरुष तो हम लोगों में है पर उसका हम ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते, यानी गलत चीज़ों में प्रयोग कर लेते हैं तो पुरुष का, है ना, दुरुपयोग हो गया। तो पुरुष का सदुपयोग जो है वो है ठीक ठीक उपयोग, तो वो करने से यहाँ तक का सामर्थ्य आ सकता है। अब इसी बात को महर्षि अगले वाक्य में कह रहे हैं, 4 चीज़ें हैं, सत, चित, आनंद और अद्वैय। तो ये सत भी, चित भी, आनंद भी और अद्वैय भी, चारों हमारा स्वरूप है, हमारा असली स्वरूप ही सच्चिदानंद अद्वैय है तत्व रूप से। तो उसका प्रकटीकरण कैसे होगा वो बता रहे हैं। सतंश का क्या होगा, कह रहे हैं कि सतंश होने से वह सर्वाकार हो सकता है। सत जो है वो सत, सदैव सौम्य इदमेकरे आसीत एकमेवा द्वितीयम। वहाँ छांदोग्य उपनिषद में आया है कि जो आरुणि जो उद्दालक के गुरु थे, पिता, तो पिता ने
श्वेत केतु, तो श्वेत केतु को ये दिया उपदेश कि ये जो सृष्टि की, जब सृष्टि नहीं थी तो सत ही था, एग्जिस्टेंस है, तो है यानी ब्रह्म रूप से उसको चैतन्य कह दो, तो वो चैतन्य जो है उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं था, तो वो जो सत है उसी सत में ये पूरा का पूरा जो है दिख रहा है, तो इसलिए वो सत मेरा स्वरूप है, तो इसलिए मैं ही सर्वाकार हूँ, इस समय जितनी सृष्टि है वो मैं ही हूँ, ये अनुभव हो सकता है। सदंश होने से वह सर्वाकार हो सकता है, चिदंश होने से वह सर्वज्ञ हो सकता है। अच्छा, जो सत है वही चित है, तो वो जो चैतन्य है उस चैतन्य का ही ये पूरा का पूरा पसारा है, तो इसलिए अगर मेरा वो स्वरूप है चित, तो फिर इसका अर्थ यह है कि मैं सर्वज्ञ हो सकता हूँ। इसीलिए जो महापुरुष लोग होते हैं, हम लोग भगवान शंकराचार्य जी को भी सर्वज्ञ शंकर कहते हैं, तो वो सर्वज्ञ कैसे हो गए? सर्वज्ञ इसलिए हो गए कि उन्होंने अपने उस ज्ञान को मिटा के और ज्ञान स्वरूप को जान लिया। इसी को महाराष्ट्र कह रहे हैं कि चिदंश होने के कारण वो सर्वज्ञ यानी हम और आप भी हो सकते हैं, और आनंद अंश होने से वह सर्वभोक्ता हो सकता है, तो आनंद अंश भी हमारा स्वरूप है, तो आनंद अंश जब हमारा स्वरूप है तो इसका अर्थ है कि जितना जो भी आनंद है इस सृष्टि में है ना, वो मैं ही हूँ। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जहाँ जो भोग कर रहा है, सत्पुरुष को जो महापुरुष होते हैं उनको पता है कि उस रूप में मैं ही भोगता हूँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि आनंद अंश में वो सर्वभोक्ता हो सकता है। यानी ये एक दृष्टि उनको महापुरुषों को प्राप्त हो जाती है कि अलग से हमको कोई चीज़ का, वो दाल पकवान या क्या लाए हैं है ना, तो हम पाएंगे तभी हमको तृप्ति होगी, ऐसा नहीं है ना, जो भी कोई पा रहा है वो मैं ही पा रहा हूँ उस रूप में, तो इसलिए महर्षि के लिए कहा ना स्वामी प्रभुदानंद, तो हम परेशान थे कि भाई कोई पापड़ जो लाया था वो कहाँ चले गए, बोले कि भैया महर्षि ही सब मुखों से सब मुखों से महर्षि ही पाते हैं, तो सर्वभोक्ता, तो ये सर्वभोक्ता क्या है? बोले हम भी है ना, हम तो अपने को चूंकि जीव मान रहे हैं, मैंने जब तक हम इस शरीर से तादात्म्यपन्न है तब तक ये नहीं आ सकता, तो ये बहुत ऊंची बात यहाँ बता रहे हैं कि सदंश होने से सर्वाकार, चिदंश होने से सर्वज्ञ, आनंदंश होने से वह सर्वभोक्ता हो सकता है, और चौथी बात है अद्वितीय होने से वह किसी के द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता है, दब नहीं सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्यों? क्योंकि आजकल जो गुरु लोग दब रहे हैं चेलाओं से, उसका कारण यही है कि उनको ये दृष्टि प्राप्त नहीं है, सच्चिद आनंद अद्वय का स्वरूप ये है कि चेले से क्या दबेंगे वो, अरे वो तो किसी से नहीं दबेंगे, क्योंकि अद्वितीय मैं ही जब हूँ, व्यवहार में सब वो कर लेते हैं नाटक है ना, पर वो चेले के कारण है ना, उसी के मतलब पराधीन हुए पड़े हैं, तो ये तो शुरू में ही आ गया है ना, क्या कहा हमारा श्री, गुलामी केवल आदमी की नहीं होती, गुलामी अपनी वासना के भी होती है, तो ये तो वासना से भी गुलाम है, आदमी किसी भी गुलाम है, यानी बिल्कुल ही गया बीता है, तो क्या गुरु है? तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अद्वितीय होने से वह किसी के द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता है, दब नहीं सकता है ना, जो दबेगा तो डरते डरते बोलेगा है ना, भाई कमल के सामने हम कमल को ऐसे कैसे बोल दें, अरे कमल हो चाहे विमल हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे रचना हो, चाहे मनोहरी हो, है ना, आना है तो आवे, नहीं आना है तो ना आवे, आए तो वेलकम, नहीं आवे तो भीड़ कम। क्यों? क्योंकि अद्वितीय होने से किसी के द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता है, गलत को गलत बताना गुरु का काम है ना, अगर वो नहीं कर रहा है ऐसा तो वो अपने कर्तव्य से हट रहा है। महर्षि को हमने कहा, महर्षि आपने उसको वसु को सबके सामने ऐसे कह दिया है ना, बड़ा उसका बेचारे का अपमान हुआ होगा। महाराज हम तो नए नए थे, बस उसी शायद 2-3 महीने हुए थे सेवा में आए हुए, तो हमको लगा महाराज से तो कभी ऐसा करते नहीं है, बड़ा बढ़िया उत्तर दिया महाराज, बोले हम क्यों नहीं कह सकते, हम उनके गुरु हैं, है ना, हमको अधिकार है। गुरु अगर नहीं बोलेगा तो ये जो है प्राणियों का तो फिर कोई मतलब कैसे कल्याण होगा, जहाँ वो आते हैं वहाँ भी वो भी लल्लो चप्पो करे उनकी,
तो बेचारे वो कहाँ सुधरेंगे वो। तो इसलिए अद्वितीय होने से वो किसी के द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता, दब नहीं सकता है। साधक के जीवन में पौरुष का प्रकट होना अनिवार्य है, यानी वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये जो पौरुष है उसका प्रकट होना अनिवार्य है, तभी हम अपने को साधक कह सकते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा इस बार गुरु पूर्णिमा पे आए हुए थे लोग, उन्होंने हम तो संसारी हैं, उन्होंने डांट दिया, उन्होंने कहा कभी अपने को संसारी नहीं कहना। शायद श्रवणान जी भी बैठे थे तो उनको बहुत अच्छा लगा, बाद में उन्होंने प्रवचन में भी कहा। महाराष्ट्र से हम लोग जुड़ गए, साईं से जुड़ गए, उसके बाद हम कहें कि हम लोग संसारी हैं, है ना, ये तो बड़ी शर्म की बात है। हम लोग अपने को साधक माने, तो महाराष्ट्र क्या कह रहे हैं साधक के लिए, साधक के जीवन में पौरुष प्रकट होना अनिवार्य है ना। अगर वही है ना डिल मिल और क्या बोलते हैं अपना कुछ है ही नहीं जान उसमें, तो फिर काहे का वो साधक है। साधक अभी देखिए कहाँ कितना बड़ा वाक्य बोल दिया, विश्वामित्र ने ब्रह्मा के मुकाबले में दूसरी सृष्टि बना दी थी, वैसे उसमें सृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य है। सदंश से सर्वाकार हो सकता है, चिदंश से सर्वज्ञ हो सकता है, सर्वभोक्ता हो सकता है, और अभिभूत यानी किसी से दबना, और किसी से दबनाने का अर्थ लोग गलत मान लेते हैं। अब मैं है ना, अब मैं रचना से दबूंगा ही नहीं, अथवा रचना सोचेगी अब मैं श्याम जी से नहीं दबूंगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। किसी से नहीं दबने का अर्थ ये है कि किसी से नहीं दबने का अर्थ ये है कि अपने अंदर उस जो है महानता को प्रकट करना है, कि वो जो तत्व है वो नहीं दबता। व्यक्ति को तो दब के रहना ही पड़ेगा, पत्नी पति से नहीं दबेगी है ना, तो वो क्या है, सनातन धर्म थोड़ी है वो, तो फिर तो ये तो आधुनिक अपना अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, फिर भारत में क्यों पैदा हुए, है ना। बोले नहीं नहीं अब स्वामी जी आप पुरानी बातें कह रहे हैं, अब तो भारत की महिलाएं भी नहीं दबेगी। भारत की महिलाएं तुम तो ठीक है, युग तो बदल रहा है, वो बात ठीक है, स्वामी जी भी समझते हैं, पर यहाँ ये दबने का अर्थ ये मत लगा लेना। यहाँ अर्थ ये है कि हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप में ये शक्ति है कि ये तो व्यवहार में जैसे जैसा करना चाहिए है ना, अपना जो व्यवहार बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, उसमें नहीं गड़बड़ाना चाहिए, पर वो जो अपना स्वरूप है उससे वो जान रहा है कि हमको कोई नहीं दबा सकता, यानी तत्व को कोई नहीं दबा सकता। ये बहुत ऊंची बात है। तो साधक के जीवन में पौरुष का प्रकट होना अनिवार्य है, महर्षि कह रहे हैं। ये पूरा जो पृष्ठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पृष्ठ को पढ़कर, शायद यही पृष्ठ होगा जहाँ तक मुझे याद है, मुझसे रचना नहीं आई थी, तो श्याम जी को बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर वही पुस्तक भी ले गए हमारे से, जीवन मुक्ति विवेक अभी तक नहीं लौटाई। यानी इतना बढ़िया महर्षि ने इसका वर्णन किया है कि साधक के जीवन में पुरुष का प्रकट होना अनिवार्य है। आज तक, अब अंतिम दो वाक्य ध्यान से सुनिएगा, आज तक जिस किसी को जब कभी जो कुछ प्राप्त हुआ है वह पुरुष से मिला। कोई कह सकता है कि थोड़े दिनों पहले महाराज जी कह रहे थे कि आज तक जिस किसी को जब कभी जो कुछ प्राप्त हुआ है वो जब से प्राप्त हुआ है, आज कह रहे हैं पुरुष से मिला है, तो वो जब जब भी क्या है कि उसने पुरुष से किया है, इतने करोड़ जप मुझे करना ही है, तो उस पौरुष में लग गया तब जाके उसको वो महात्मा बना है। आज तक जो भी कोई महात्मा बना है बिना जप के नहीं बना है, तो वो पौरुष से वो अलग वाक्य नहीं है, वही वाक्य है। पौरुष से जप करो, पौरुष से ध्यान करो, पौरुष से विचार करो, पौरुष से है ना जो भी साधना दी है गुरु ने उसको करो, निष्काम कर्म सेवा है ना। तो माताओं के लिए यही है ना, संतों को खिलाओ पिलाओ सेवा करो। तो क्योंकि उनकी वो विशेषता है ना, वो तो ये थोड़ी कि संत को खिलाना पिलाना है उसको, मतलब चाहिए वो इसलिए, भाई वो अपना अंतःकरण शुद्ध करेंगे, अपनी जो सेवा हो सकती है बन सकती है हमसे, हम तो यही कर सकते हैं, तो उसी से अपने को वो नहीं, पर महात्मा जी ने पाया कि नहीं। महात्मा जी पाएंगे, वो अभी सर्वभोक्ता अभी अभी पढ़े, फिर बाद में कह रहे कि महात्मा जी ने पाया कि तो इसलिए साधक के जीवन में पुरुष का प्रकट होना अनिवार्य एक बात, और आज तक जिस किसी को जब कभी जो कुछ प्राप्त हुआ है वह पुरुष से मिला है, ठीक है।
करेंगे हम पुरुष, अंत में कह रहे हैं पुरुष का ठीक ठीक प्रयोग करो, यानी पुरुष का भी दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, इसलिए महर्षि फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि पुरुष का ठीक ठीक प्रयोग करो, पुरुष को जीवन में प्रकट करो। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत।